ये सीरम इनके स्किन में ऐसा ऐसा पेनिट्रेट हो जाएगा और ये सारा सीबम निकलता जाएगा और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी इनके इस मशीन के थ्रू निकलते जाएंगे। और ये हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा होता है, यहाँ लेडीज़ एंड जेंट्स सब करवा सकते हैं, इवन जो टीन एज के लोग हैं। हमारी स्किन में टीन एज में ही आपको पता है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि वो स्टार्ट होने से पहले या स्टार्ट अगर हो गए तो आप ये स्टार्ट करवा लें, इसकी सेटिंग्स लेना शुरू कर दें। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपका हाइड्रा फेशियल करने वाला या आपकी हाइड्रा फेशियल करने वाली डॉक्टर या जो भी हैं, अगर वो अच्छा ये सीरम और मशीन ये सब यूज़ कर रही हैं, तो आपका हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा होगा। डिपेंड करता है आप करवा कहाँ से रहे हैं और जो कर रहे हैं वो कितना एक्सपर्ट है, वो आपकी स्किन को कितना समझता है, उन्होंने स्टडी कहाँ से की हुई है। ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर से सीरम निकल रहा है। और बहुत सारे लोगों को हाइड्रा का रिज़ल्ट नहीं मिलता है, उसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आज क्लियर कर चुकूँ। बहुत सारे जगहों पे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी जगहों पे सीरम्स की जगह वाटर यूज़ हो रहा है, बहुत चीप प्राइस में हो रहा है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम हाइड्रा करवा के आए हैं। क्योंकि हमें पता है, हमें सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब हमारे कोई बहुत सस्ता काम कर रहा होता है, सस्ता काम आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने हाइड्रा करवा रहे हैं तो अच्छी जगह से करवाएं, जहाँ से आपको बेनिफिट्स भी नज़र आएं और हाइड्रा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देख रहे होंगे आप स्किन को ये खींच रहा होता है, इसमें आपके स्किन के अंदर से सारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और जितना भी सीबम है उसको ये टूल जो है सक कर रहा है। कोई भी आप सवाल कर सकते हैं, और मैं स्किन से रिलेटेड आज लाइव आया हूँ। इसके अंदर जितना भी गंद आ जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें से कितना कुछ निकलता है। एक्चुअली इसके अंदर थ्री सीरम्स यूज़ होते हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखें, थ्री सीरम्स होते हैं, ए बी और सी। ये तीनों सीरम्स हमें बारी बारी आपकी स्किन में पेनिट्रेट करने होते हैं इसी टूल्स के थ्रू, और जो कि हमने ये ए बी और सी तीनों सीरम्स हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट इनके स्किन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करेंगे जो रह गए हैं, क्योंकि जो अपर आपके स्किन पे होते हैं वो तो हम उस पहले वाले टूल से करते हैं। अब हम ये नेक्स्ट सेटिंग हम यानी कि नेक्स्ट टूल यूज़ कर रहे हैं, और ये मशीनरी आपके स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है कि आपके स्किन जो है वो किस लेवल पे हम रखेंगे मशीन को तो आपकी स्किन ठीक होगी। ये आप देखिएगा इनको, ये देखें स्किन पे आपको ये वाइट वाइट से नज़र आ रहे हैं, और स्किन के बाद आपको ये नज़र आ रहे होंगे इस टूल के ऊपर। ये देखें, ये देखें, ये हम इनके स्किन के अंदर से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकाल रहे हैं जो कि स्किन में डीपली होते हैं, जो कि हमारी एक्नी होने के बाद हम अगर अपनी स्किन को टच करें या थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करें तो हमें पता चलता है कि हमारी स्किन के अंदर कुछ चुभ रहा है, वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। बाकी आप वाइट वाइट छोटे छोटे से देख सकते हैं इनके स्किन के ऊपर, यह अभी हाइड्रा की फर्स्ट हमने जो टूल यूज़ किया उसकी वजह से ये सब ऊपर आ गए, और अब हम ये निकाल रहे हैं। और
कुछ लोग समझते हैं कि हाइड्रा जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। नहीं, हाइड्रा बिल्कुल पेनफुल प्रोसेस नहीं है। ये आपको और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करता है। इसके बाद हम जो टूल्स यूज़ करेंगे वो इस आपके पोर्ट्स क्लोज करेगा, लेकिन इसकी सेटिंग्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस इनके स्किन के अंदर से कितना ज़्यादा, ये देखें आप, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। अगर हम लोग स्किन को नीट नहीं करवाएंगे तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा, अगर हम स्किन को नीट नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम बन सकता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यही जो हम फोन ज्यादा पास है इसके। प्रॉब्लम ये है कि हम जो ये कर रहे हैं ना, इसी की वजह से वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं। ये देखें, ये जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं इसके भी बेनिफिट्स मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। ये आपकी स्किन में से हमने जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाले ना, ये हम आपकी स्किन का उसके बाद अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ये जो सामने हमारे पास ये लगी हुई है ना, ये LED, इसमें ये हमें सारा बता रही होती है कि आपकी स्किन अभी अंदर से कितनी ज़्यादा डैमेज है। ये देखें अभी भी उनको एक्नी है, लेकिन हम एकदम नहीं सब निकालेंगे, हम थोड़ा सा टाइम देंगे, नेक्स्ट सिटिंग में हम इसको भी रिमूव करेंगे। ये हमने अल्ट्रासाउंड किया इनके स्किन का, हमने सारी स्किन चेक करी है कि कितनी लेयर्स इनके स्किन की अभी बेटर हैं और कितनी अभी डैमेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टूल्स यूज़ करेंगे। अमेजिंग फेशियल है। अब ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके भी मैं आपको बेनिफिट्स बताता चलता हूँ। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये आपके इसके अंदर लाइट्स होती हैं कुछ, जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये आपके स्किन को टाइट करेगा, आप देख सकते हो उनकी स्किन के हालात, तो या उनके स्किन को टाइट करेगा और आपके जो ओपन पोर्ट्स हैं ये उनको क्लोज कर रहे हैं। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल का मेन पर्पस जो है वो आपके स्किन को नीट एंड क्लीन करना है। ये आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन जो है अब काफ़ी नॉर्मल नज़र आ रही होगी। नॉर्मल से मतलब ये नहीं कि इनके जो स्कार्स हैं वो क्लोज हो गए फौरन, लेकिन काफ़ी हद तक स्कार्स क्लोज नज़र आ रहे हैं। ये देखें आप, ये इससे भी ज़्यादा थे ये, आई डोंट नो आपको कैमरे में से पता चल रहा है कि नहीं। और स्किन के ऊपर जो एक रेडनेस थी उसमें भी थोड़ा सा थोड़ी सी बेहतरी आई है। अब हम ये सीरम अप्लाई करेंगे, इस सीरम से इनके स्किन मज़ीद फ्रेश होगी। ये आप देख सकते हैं, ये स्किन इनकी फ्रेश करेगा बहुत ज़्यादा। स्किन के अंदर जितने भी अभी तक हमने टूल्स वगैरह यूज़ करें उसके बाद हमें ये लाजमी करना होता है
और इसकी एक बड़ी मज़े की फ्रेग्रेंस होती है, यह सीरम आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है और जो ऊपर रह जाता है उसको हम टिश्यू से रब कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हाइड्रा से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, एक या दो दिन बाद बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है और एक्स्ट्रा जो ऑयल बन रहा होता है वो कंट्रोल होने लग जाता है। मेन प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि हमारी स्किन एक्स्ट्रा ऑयल बना रही है। अब जो टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं, या टूल होता है स्किन टाइटनिंग के लिए, ठीक है, हम आपके स्किन इससे टाइट करते हैं या आपके स्किन टाइटनिंग के लिए। और ये बड़ा मज़े का होता है, बड़ा कूल सा होता है ये। आप देख सकते हैं क्लाइंट कितना ज़्यादा रिलैक्स आपको नज़र आ रहा है हमारा। ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ना मैसेज किए इनबॉक्स में कि हाइड्रा क्या पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन हाइड्रा बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। अब हम इसके बाद इनके फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे पील ऑफ मास्क, ठीक है। पील ऑफ मास्क में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको ड्राई होने में, तकरीबन 40 या 60 मिनट्स, 40 या 60 मिनट्स के बाद हम इनके फेस के ऊपर क्लेंजिंग करेंगे, देन हमारा हाइड्रा फेशियल कंप्लीट है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बाकी हम आपको उनकी स्किन के रिजल्ट दिखाते चलते हैं। स्किन देख लें आप, इसके बाद हम इनको एक एलईडी मास्क होता है वो हम इनके फेस के ऊपर लगाएंगे। एलईडी मास्क भी बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, इसके अंदर डिफरेंट लाइट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइट्स होती हैं जो कि आपके स्किन को ग्लो देती हैं। ये देखिएगा अब इसके अंदर कितनी मज़े की लाइट्स आएंगी। जो आप देख रहे हैं डिफरेंट लाइट्स, ये इनके स्किन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, इनकी स्किन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये डिफरेंट लाइट्स उसको ठीक करेंगी। रिलेटेड आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बताता चलता हूँ कि मेरा सैलून का एड्रेस क्या है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर विज़िट करिएगा। अनवर प्लाज़ा है।